हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज था बार बार रोजा सहरी, तो मुसलसल दोस्तों के साथ बाहर गैदरिंग के अंदर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज आपके भाई ने सोचा क्यों ना ऑफिस वालों के साथ आज बाहर सहरी की जाए। तो मैंने कॉल की नवेद को, उसके बाद परवेज साहब को और जका साहब को, उनसे डिस्कस किया और उनसे डन किया कि आज हम लोग क्यों ना बाहर सहरी करें। उन लोगों ने एग्री किया और हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट था आज का इमाम क्लिनिक, जहाँ पर हम लोग सारे के सारे मिलेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना आउट ऑफ कराची आज सहरी की जाए। तो हम लोग आज जा रहे हैं कैफ्रन ब्रांच, जो कि लोकेटेड है गारो की तरफ। तो वहां पहुंचते हैं, भाई हो चुका रेडी, तो इमाम क्लिनिक पहुंच के आपको बताते हैं। उमदा मैं हाफिज। तो फाइनली आपका भाई इमाम क्लिनिक पे पहुंच चुका है और सब मेरा वेट कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि सारे टाइम पे पहुंच चुके हैं, मैं ही जरा सा लेट हो चुका था। अभी हमारे साथ मोबाइल की चलती है, ये देखें, साथ साथ हमारे फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है हमें सिर्फ परवेज सर की वजह से, क्योंकि इन्होंने कुछ दिया हुआ है मोबाइल वालों को। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, ऑन द वे हैं। खुदा बख्श ये आता था। सन्नाटा आप लोग देखें कैसा है, सिर्फ यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा परवेज साहब के चेहरे के अलावा, परवेज साहब के चेहरे के अलावा और कुछ भी नहीं, चमक दमक जिनकी नजर आ रही है। और आगे सन्नाटा भी ऐसा ना हो कोई पठान वगैरह अगर पकड़ लेता, तो हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम परवेज साहब को पेश कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास एक खुली बोरी बंद बोरी दोनों है, दोनों चीजें हमारे पास मौजूद है। तो हम जो है कामरान और एक परवेज है, जिसको ले जाओ। और ये खुशी खुशी जाने वाले शख्स है। A few moments later. चलो फाइनली आपका भाई जो है वो गारो पहुंच चुका है कैफे इमरान पे, और हम लोग अभी गाड़ी चला रहे हैं। जगह साहब कंचा है मेरा। तो गाड़ी में भी काफी मजा आया, ये है कि बड़ी मुश्किलों से इसको राजी किया है। अब ये है कि अंदर जाके कुछ देखते हैं, काफी हवा चल रही है और काफी सन्नाटा है कैफे इमरान पे। सन्नाटा बिल्कुल, अंधेरे में हो रहा है और फुल सुनसान हो रहा है, और सफर तो बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पर आके। और अभी यहाँ पे जो है वो स्पेशली हम लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं और क्या क्या मेन्यू के अंदर डिशेज हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं इस वीडियो के लिए। मेन्यू कार्ड आ चुका था, मेन्यू कार्ड देखा तो हमारा दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें मंगवा लें, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ें मंगवाई हमने, प्लेटर मंगवाया, इसके अलावा हमने मखनी हांडी शाही कढ़ाई मंगवाई और हम लोगों ने रोस्ट मंगवाया। जगह बनाई हुई है लोगों ने, बहुत अच्छी प्लेस यहाँ पर मौजूद है। ये जिसने कैफे इमरान का पराठा नहीं खाया उसने कुछ भी नहीं खाया, बड़ा टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त है। फाइनली सारी चीज़ें काफ़ी यमी हैं और इनकी जो गोटियाँ हैं खास तौर पर बहुत ज़्यादा यमी है और टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है प्लेटर और खाया नहीं जा रहा। आपको कढ़ाई देखी है, कढ़ाई भी आ चुकी है, मेरा पेट जो है वो फंसने वाला हो रहा है और मैंने मंगवा ली स्टिंग, क्योंकि प्लेटर आए, कढ़ाई आए और स्टिंग ना आए, ऐसा होने अभी सबके लिए आएगी, लेकिन मैंने स्टार्ट में ही अपने लिए मंगवा ली क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग खा रहे हैं जैसे इन्होंने कभी खाया ना, और परवेज सर को देखें किस तरीके से खा रहे हैं, मुँह छुपा रहे हैं बार बार। और ये लड़का जब से प्लेटर आया प्लेटर पर ही लगा हुआ है, बस प्लेटर ही खाया जा रहा है, तो इससे अकेले से ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है यहाँ का, आप लोग आएँ अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करें। और विजिबल प्राइस के अंदर है यहाँ पर, और प्लेटर इनका जो है ये 900 रुपये का इतना बड़ा प्लेटर था, कढ़ाई के ऊपर इनका 50% डिस्काउंट हुआ है, 1800 रुपये की थी, 900 रुपये की इनकी कढ़ाई है, और बाकी रायता वगैरह फ्री मिला है यहाँ पर हम लोगों को। और टोटल हमारा जो खर्चा आया इस वक्त वो फाइनली बिल्कुल जो है वो 5500 रुपये आया इन सारी चीज़ों के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, आप लोग आएँ खाएँ और बताएँ अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। और ये जो पूरे उड़ाता था बाइक पे में आता था, ऐसे गाड़ी छुट्टे से बैठ के फाइनली आपका भाई जो है वो कैफे इमरान से निकल चुका है, बहुत ही टेस्टी और यमी प्लेटर था, और हमारी फट के हवा हो चुकी थी इतना बड़ा बिल जब वो लेकर आया। परवेज साहब क्या कर रहे हैं, तूने कुछ किया क्या, शुतुरमुर्ग खा लिया क्या, जेडीसी का शुतुरमुर्ग खाया क्या?
साहब से इसलिए नहीं चिपक सकते क्योंकि बद्दू बहुत मार रहे हैं वो इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पीआईबी के रहने वाले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों को पता है कि पीआईबी रहने वाले कैसे लोग हैं? ये देखिए कैसा गंदी इनकी सड़ान आ रही है इनके मुंह से, मैं अल्लाह माफ करे मैं क्या बताऊं। मैं इनकी हंसी की इंतहा देंगे, ये देखो देख सकते हैं एकदम झटका लगा और वे सब का बाद भी निकल गया इसी उसमें। जाहिर है उनकी जबान में ही बात करनी पड़ती है क्योंकि पीआईबी के रहने वाले हैं वो। हाँ तो जाहिर है।